फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केस स्टडी ग्रुप्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का 20 क्वेश्चन बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फर्स्ट 20th क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1/3 माइनस रूट 8 एंड बी इज इक्वल टू 1/3 प्लस रूट 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी एंड 5a² - 6ab + 3b². तो हम पहले a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या दी गई थी, a इज इक्वल टू 1/3 माइनस रूट 8। अभी डिनोमिनेटर में रूट है, इसको हम रिसलाइज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 + √8 / 3 + √8। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 + √8 / a + b और a - b के फॉर्म में है, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर, तो 3 + √8 / 3 × 9 - 8, तो हो जाएगा 3 + √8। ये आ गई a की वैल्यू आ गई हमारी। अब b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, और क्या दिया गया b की वैल्यू, 3 + √8 × 3 - √8 / 3 - √8। अब यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 3 - √8 में करेंगे तो जगह 3 - √8 / 3² - √8² a + b और a - b के फॉर्म में, तो 1² - b² और 3 - √8 और 3² 9 हो गया माइनस 8, तो क्या बचा, 3 - √8 हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिखे, a² की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं a². अब a की वैल्यू क्या आई थी, 3 + √8 आई थी, तो 3 + √8 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, एक फार्मूला होता है a + b² इसी फॉर्म में है ये, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा a² + b² + 2ab। अब इसी फॉर्म में इसको पुट कर देते हैं हम, a² (3² + b² √8² + 2ab यानी 2 × 3 × √8 हो जाएगा। अब 3² 9 हो गया और रूट 8 का होल स्क्वायर, तो कॉम्पेयर बन गए तो रूट के बाहर चला आया, तो क्या 8 हो गया। अब + 2 × 3 × √8 √8 9 + 8 = 17 हो गया, और 17 + 6 √8 अब 17 + 6, अब यहाँ पे 6 है, 6 कैसे लेते हैं, रूट 8, रूट 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो जाएगा 2 × 2 × 2 हो जाएगा, तो 17 + यहाँ पे 6 है तो जाएगा 2 पेयर बन जाएगा यहाँ पे, तो पेयर के बाहर चला आएगा और रूट टू रूट में ही रहेगा, ये 2 है रूट में ही रहेगा ये, फिर हो गया 17 + और 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 17 + 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, तो 12 √2, ये a² की वैल्यू आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, b² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v का वैल्यू क्या आया था, 3 - √8² अब इसको भी a - b² के फार्मूले से हम पुट करेंगे, तो a - b² का फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो -2ab, अब ये जो 3 - √8 का होल स्क्वायर है, अब इसको इस फार्मूला में पुट अप कर देते हैं, तो a² (3² + b² (√8) - 2 × 3 × √8। अब 3² (9 + √8² - 8 और 2 × 6 = 6 √8 हो गया -6 √8, और 9 + 8 होता है 17 -6 √8, अब 17 हो गया। अब -6 है, हम 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं और √8 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो जाएगा 2 × 2 × 2, तो 17 - 2 × 3 = 6 हो गया, 2 पेयर बन गया यहाँ पे रूट के अंदर, तो पेयर के बाहर चला, रूट के बाहर चला है, तो 6 × 2 और √2, क्योंकि पेयर नहीं बना इसका, तो ये रूट में ही रह गया,
तो 17 माइनस 6 टू टोटल हो गया और रूट टू, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन है ए बी, और ए की वैल्यू आई थी 3 प्लस रूट एट और बी की वैल्यू क्या आई थी 3 माइनस रूट एट। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम, तो 3 का मल्टीपल जो 3 में करेंगे 9 हो जाएगा और 3 का मल्टीपल माइनस 8 में करेंगे तो 3 माइनस 3 है रूट एट, और रूट एट का मल्टीप्लाई जो 3 में करेंगे तो जाएगा प्लस 3 रूट एट, और प्लस रूट एट का मल्टीप्लाई माइनस रूट एट में करेंगे तो जाएगा माइनस 8। यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 9 माइनस 8 1 हो गया, और माइनस 3 रूट एट और प्लस 3 रूट कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 1 आ गया ए बी का आंसर। और फोर्थ क्वेश्चन इसी का, 5a² माइनस 6ab प्लस 3b² और 5 हो गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 17 प्लस 12 रूट टू, तो गया 17 प्लस 12 रूट टू का स्क्वायर 17 है स्क्वायर ने, कि ए स्क्वायर की वैल्यू तो यही आई थी 17 प्लस 12 रूट टू, फिर माइनस यहाँ लग गया यहाँ पे 6, और ए बी की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी 17 माइनस 12 रूट एट, तो 17 माइनस 12 रूट टू सॉरी। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, और 5 का मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो 75 = 85, और 5 का मल्टीप्लाई प्लस 12 रूट एट में करते हैं रूट टू में करेंगे तो 5 = 60 रूट टू, और माइनस 6 × 1 = 6 प्लस, अब 3 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो प्लस 51, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 12 रूट टू में करेंगे तो 12 × 3 = 36 रूट टू। अब हो गया 85 प्लस 51 जो करेंगे तो जाएगा 130, और प्लस 60 रूट टू का मल्टीप्लाई माइनस प्लस करेंगे माइनस 36 रूट टू में तो जाएगा, अब प्लस 60 रूट टू का ऐड करेंगे माइनस 36 रूट टू में तो जाएगा 60 माइनस 36, तो माइनस प्लस यानी माइनस करना है तो 60 माइनस 36 हो जाएगा 24 प्लस 24 रूट टू। यहाँ पे प्लस क्यों लगा, क्योंकि प्लस का जो साइन था बड़ा था, ग्रेटर था, 60 बड़ा था 36 था, यानी से प्लस लगे यहाँ पे, तो 130 प्लस 24 रूट टू, यही फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया 130 प्लस 24 रूट टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।